लखनऊ के ऐतिहासिक हुसैनाबाद घंटाघर पर पिछले काफी दिनों से महिलाएं सीएए और एनआरसी का विरोध प्रदर्शन कर रही थी। अब महिलाओं को दलित समाज का भी समर्थन मिल गया है। सैकड़ों की संख्या में घंटाघर पहुंचकर दलित समाज की महिलाओं ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रही महिलाओं को समर्थन दिया। दलित समाज की महिलाएं घंटाघर पर हाथों में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पोस्टर लेकर पहुंची। दलित महिलाओं ने सीएए और एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन कर रही महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने का ऐलान किया। जी, मेरा नाम सुनीता रावत है। यहाँ पर आज ही नहीं, हम लोग शुरुआत के वनडे से हैं और ये हमारा जो प्रदर्शन चल रहा है सीएए के खिलाफ बैठे हुए हम सभी महिलाएं हैं। यहाँ हमारा आज 13वां दिन हो गया है। 13 दिन से हम लोग बैठे हैं। जो ये सीएए है जो हम लोगों के संविधान के विरुद्ध है। हम लोग अपने संविधान के तहत जो हमें नागरिकता का अधिकार दिया गया, संविधान के तहत जो हमारे कानून सबको एक जुटता का वो देता है, संविधान में संविधान के तहत हमारे सभी नागरिकों को एक साथ वो मान्यता दी गई है। उसमें कोई धर्म की बात नहीं है। जो सीएए का कानून आया है उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का तो जिक्र है लेकिन उसमें मुस्लिम को किनारे कर दिया गया है। इसलिए हम लोग सीएए का सख्त विरोध करते हैं। उसी के तहत संविधान के तहत अपने देश की सुरक्षा और संविधान की सुरक्षा के तहत चाहते हैं। कब तक आप ये प्रोटेस्ट करती रहेंगी आप लोग? देखिए ये तो अब हम ये चाहेंगे, ये अमित जी पर निर्भर करता है। वो जब तक चाहेंगे हमारे गृह मंत्री जी तब तक हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम 1 इंच नहीं खिसकेंगे। हम लोगों ने कहा है कि हम लोग 1 इंच के आधा इंच भी नहीं खिसकेंगे। वो या तो संविधान के ये जो इन्होंने तहत जो छेड़छाड़ की है उसको हटाएं, हमारे संविधान के तहत हमारा जो कानून था उसको वापस करें, या तो वो खुद आए और हम लोगों से बात करें। अगर वो कहते हैं कि संविधान में हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, ये केवल नागरिकता देने का अधिकार है, नागरिकता देने का कानून है, तो हम भी उनसे यही कहना चाहते हैं कि जब संविधान के तहत वो नागरिकता देना चाहते हैं तो वो आके हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाइयों का जिक्र करते हैं जिसमें एक अमुक जाति को क्यों छोड़ देते हैं। एक जाति का विशेष करके टारगेट करना ये गलत है। संविधान में कभी धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं दी गई है, तो धर्म के नाम पे जो नागरिकता दी जा रही है उसे हटाएं। या तो अब वो संविधान के तहत उसे हटाएंगे या तो अब वो आके बात करें हम लोगों से। अगर वो चाहते हैं कि ये धरना हटे या ये हम लोग का प्रदर्शन बंद हो तो अमित जी को आना पड़ेगा, उन्हें बात करनी पड़ेगी। उन्हें कोई आया नहीं आप लोगों से मिलने? जी नहीं, कोई भी नहीं आया है यहाँ तक हम लोगों का, ना कोई बात करने की कोशिश की गई। कई बार हम लोगों का धरना हटाने की कोशिश जरूर की गई, पुलिस लाठियां चलाई गई, हमारे कंबल छीने गए, हमारा खाना छीना गया, लेकिन हम लोग कभी भी उनके इन मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। हमेशा उनके विरुद्ध लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे।